कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो देखा था कि जो क्लाइमेट चेंज पोल्यूशन फ्री, ये जो इकोनॉमिक फोरम बात कर रहा है उसको अपोज करने वाले लोग भी वही बात कर रहे हैं। और सिमिलरली वंदना शिवा का आया था कि डीप स्टेट के साथ इवॉल्व है, क्योंकि उसको कुछ अवार्ड मिला यूनाइटेड नेशंस का और ऐसा कुछ। सो बेसिकली क्या है, ये एक जार्गन है और सब लोग चाहते हैं ऐसा हो, और उसके कारण उसका जो सॉल्यूशन बताया जाता है, पहला बात तो जो चीज़ ये कारण बता रहे हैं वो कारण झूठा है, और जो उनको अपोज कर रहे हैं वो कारण बता रहे और सॉल्यूशन बता रहे, उसमें फ़र्क है। अभी वंदना शिवा बायोडायवर्सिटी, सॉइल बैक्टीरिया, शी इज़ अपोजिंग जीएमओ और मोनसांतो, उसकी लड़ाई बेसिकली उसमें है। बट शी इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट अगेंस्ट पोल्यूशन, और वो लोग भी अगेंस्ट पोल्यूशन बोलते हैं, लेकिन इसमें और उसमें फ़र्क है। शी इज़ टॉकिंग अबाउट नेचुरल थिंग्स, बायोडाइवर्सिटी, सॉइल बैक्टीरिया, विच इज़ मच मोर एसेंशियल, और वो लोग बात कर रहे हैं जीएमओ, टोचन वाला फूड का बात कर रहे हैं, मिक्सिंग वाला चीज़ वाला बात कर रहे हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन होता है लोगों को, क्योंकि दोनों जन प्रो और एंटी अगर सेम बात कर रहे हैं तो लोग सोचते हैं दोनों मिले हुए हैं, सब मिले हुए नहीं रहते। अभी देखो किसान बिल आया था, लोग चाहते हैं किसान का भला हो, किसान चाहते हैं किसान का भला हो, गवर्नमेंट भी चाहती है किसान का भला हो, लेकिन किसान बिल लाया था वो ट्रिकरी था, वो बेसिकली और वो लोग को बर्बाद करने के लिए था। तो वो ट्रिकरी अच्छे वर्ड्स और सेंटेंसेस, शुगर कोटेड वर्ड्स और सेंटेंसेस में मिक्स करके एक झूठा कारण बता के और एक सॉल्यूशन बता के लोगों को फीड किया जाता है। अगर इतना अच्छा सॉल्यूशन है तो इमरजेंसी में काय को लागू किया, पार्लियामेंट में डिबेट करने का था, किसान को भी कंसीडर करना था डिसीजन मेकिंग में, तो वो सब किया नहीं, रातों रात नियम बदल दिया। तो क्लियरली उसमें झोल था, बट उसमें डिटेल में काफ़ी बड़ा झोल है। ऐसा ज़रूरी नहीं सब लोग जब सेम बात कर रहे हैं तो वो सही है। आयुर्वेदिक वाला अच्छी सेहत का बात कर रहा है, वो आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स के थ्रू, वैसा न्यूट्रोपैथी वाला अच्छी सेहत का बात कर रहा है, वो वेजिटेबल और ये का फ्रूट्स का बात कर रहा है। होम्योपैथ वाला बात कर रहा है अच्छा हेल्थ का, वो होम्योपैथी टेक्नोलॉजी का। फार्मा भी बात कर रहा है अच्छा हेल्थ का, वो कैसे टोचन, और जो फार्मा कारण दे रहा है बीमारी का, विराट कोहली एग्जिस्ट ही नहीं करता, और ये लोग कोई भी बीमारी हल नहीं कर रहे, सिर्फ वो सेम बीमारी का नाम बदल रहे, दैट्स इट, और फिर नया टोचन ला रहे। तो बेसिकली ये लोग लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और मजाक चल रहा है, एक्चुअली मॉकिंग चल रहा है कि अरे नया विराट कोहली है, ले लो टोचन, और उसकी दलाली पर प्रधानमंत्री कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बात करता आयुर्वेदा, इंडियन ट्रेडिशन और इंडिया कल्चर, ये सब, और तरफदारी और मार्केटिंग किसकी करता है, टोचन की। और मतलब एक बिका हुआ गुलाम, इंसेक्ट ने उसका ब्रेन टेक ओवर कर चुका है, वैसा पपेट है जो इंडिया चला रहा है। कभी भी भाषण देगा इंडिया का ट्रेडिशन कल्चर, आयुर्वेदा, योगा पे बात करेगा, लेकिन मार्केटिंग करेगा टोचन की। तो एक्चुअली ये लोग जो कारण बता रहे और सॉल्यूशन दे रहे उस पे डिफर करता है। पोल्यूशन किसी को भी नहीं चाहिए, लेकिन पोल्यूशन का कारण डीप स्टेट जो बता रहा है वो नहीं है,
गाय का हगो मुत्तु से पोल्यूशन नहीं होता है, गाय का मतलब फार्मिंग से, चलो फर्टिलाइजर डालेगा तभी पोल्यूशन होता है, तो गोबर ये डालेगा तो पोल्यूशन नहीं होता है। तो ये लोग पोल्यूशन ख़त्म करने के लिए खेती, गाय, ये सब ख़त्म करने वाले। तो रीज़न बता रहे हैं ये लोग, गलत बता रहे हैं, और सोल्यूशन ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव बता रहे हैं। जैसे विराट कोहली आता है ऐसे एक के नाक में से उड़ के दूसरे नाक में उड़ता है, ये कारण बताया, ऐसा एक आदमी से दूसरे आदमी के नाक पे घुसता है, ये कारण बताया। और इसका सोल्यूशन क्या बताया, बंद कर दो सब कुछ, जला डालो। तो दोनों कारण भी झूठा बोला, सोल्यूशन भी डिस्ट्रक्टिव बोला। तो अभी जो चालू है क्राइसिस, सब एक ही चीज़ बोल रहे हैं, लेकिन ये लोग जो कारण बता रहे, ये जो डीप स्टेट, वो कारण जो बता रहे वो नहीं है, और सोल्यूशन जो बता रहे वो गुलाम बनाने के लिए है, डिस्ट्रक्शन के लिए है। और ये बात है, अभी सबका एक साथ फोटो देखा और सब लोग एक ही चीज़ बात कर रहे हैं, मतलब मिले हुए नहीं है, ये एक शॉर्ट साइटेडनेस है लोगों की। दे जंप टू द कंक्लूजन कि अरे वंदना शिवा भी यही बात कर रही है, ये भी वही बात कर रहे हैं, मतलब दोनों मिले हुए हैं। अरे वंदना शिवा ऑर्गेनिक का बात कर रही है, सॉइल बैक्टीरिया का बात कर रही है, वो लोग GMO और टोचन का बात कर रहे हैं, तो दोनों में काफ़ी फर्क है। ये सब एक्चुअली डिस्ट्रक्शन, मतलब जो लाया जाएगा वो गलत कारण, जैसे आदमी ये जो अभी डायरेक्ट बोलेगा तो लगे कट हो सकता है वीडियो, ये जो सफ़ेद कपड़े वाले कारण बताते और जो सॉल्यूशन देते उससे मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स डैमेज होता है। और ये आई हैव कम टू द कंक्लूजन कि डॉक्टर्स का सबसे छोटा दिमाग रहता है, इतना सा हग्गू खाते हैं वो लोग। ये लोग जो रिपोर्ट्स आते हैं FDA का, उसको सच्चा मानते हैं, और वो मन का लिखा रहता है एक्सपेरिमेंट्स, कि हम लोग ने एक्सपेरिमेंट किया और हमको ये रिजल्ट मिला, और बेसिकली वो ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ ही नहीं रहता है, ऐसा ही मन से लिखते हैं। जैसे लवंग का मैंने बताया कि लवंग से टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, और ये सब यूट्यूब में वीडियोज़ हैं, सारे फटीचर डॉक्टर है लवंग के बेनिफिट्स गिना रहे, लेकिन किसी ने लवंग खा के नहीं देखा है। तो मैंने लवंग खा के देखा तो ऐसा कुछ भी टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज नहीं हुआ, फोड़ी आया, मतलब ऐसा थोड़ा हीटिंग बढ़ गया। तो ये गधे होम्योपैथिक डॉक्टर और ये जो लवंग का प्रमोशन कर रहे हैं कि लवंग खाने से टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, दे आर सेइंग इट बेस्ड ऑन सम रिसर्च डेटा, कि ये एजेंसी ने कुछ रिसर्च किया और उसमें पाया गया कि टेस्टोस्टेरोन सेक्सुअल पावर्स इंक्रीज होता है, बट खुद ने खा के नहीं देखा। इतना लवंग पे वीडियो बना रहे तो खा के देखना, मैंने खा के देखा ये लोग का वीडियो देख के, इट्स नॉट एट ऑल कुछ भी बेनिफिट हुआ नहीं, सिर्फ थोड़ा हीटिंग बढ़ गया। तो मेजरली फोकस प्रॉब्लम और सॉल्यूशन बताने में, सबको चाहिए प्रॉस्पेरिटी, इक्वालिटी। जो ये क्या करते हैं इकोनॉमी, वो गेंडा बेडुक जैसा दिखने वाला क्लास शॉप, क्या इन रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटीज, पोल्यूशन, यू ऑन नथिंग, बात जार्गन देखो कैसा बात कर रहे हैं, अच्छा अच्छा बात कर रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन क्या है, अमीरों को गरीब बनाने का, टोचन देने का, घर पे बंद करने का, और सब कुछ इनको देने का, ये लोग मैनेज करेंगे सब कुछ, ऐसा है। तो वो लिटरली एक गधा मेंढक है, कुछ तो एलियन है, उसका थोबड़ा देख के भी किसी का उल्टी आ जाएगा। और ऐसा चूतिया सारे कंट्रीज के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि इधर के गधे हग्गू खाते हैं, और या फिर इनका भी ब्रेन इंसेक्ट ने टेक ओवर किया है और ये सब चल रहा है।